दोस्तों स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके पीएससी की एक नई वैकेंसी के बारे में। तो काफ़ी लोगों को इसका इंतजार था, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी काफ़ी कम आई हुई है, जो कि आपका प्रयोगशाला सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला में यहाँ पे ग्रुप सी की वैकेंसी यहाँ पर निकाली हुई है। इससे पहले ये वैकेंसी आपकी UK SSSC ने यहाँ पर निकाली हुई थी, और उसमें आपका यहाँ पर क्या था, लैब असिस्टेंट भी था, साथ ही आपका यहाँ पर पर्यावरण पर्यवेक्षक की वैकेंसी थी। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी वहाँ पे दी हुई थी, जिसमें आपका 12th बेस पे, साथ ही यहाँ पे आपका जो ग्रेजुएशन बेस पे, इस तरीके से वो वैकेंसी वहाँ पे निकाली गई थी। लेकिन इस बार यहाँ पे ये वैकेंसी आपके बारे में चर्चा करने वाले हैं। लैब असिस्टेंट काफ़ी कम वैकेंसी आई हुई है। देखिए, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यहाँ पे 28 जून 2023 आज की डेट में यहाँ पे विज्ञापन आया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आपको देख लेनी है। यहाँ पे देखिए 18 जुलाई 2023 तक इसकी आपकी लास्ट डेट है। जिन्होंने यहाँ पे पहले फॉर्म भरा हुआ था, इसके में आपको कोई भी फीस आपको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। फीस यहाँ पे आपकी पूरी माफ़ कर दी गई है। साथ ही इसका सिलेबस में चेंजेज हुआ है, तो काफ़ी चेंजेज हैं, पूरी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। वैकेंसी की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई है कि ऑनलाइन तिथि से पहले यहाँ पे आपको भरना है, बाकी चीज़ें आपको क्या क्या इसमें लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका पूरी वैकेंसी के बारे में आप यहाँ पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी है, पदनाम आपका, कुल पदों की संख्या की बात करें तो 11 वैकेंसी यहाँ पे केवल आपके आई हुई हैं। वेतनमान की बात करें यहाँ पे, तो देखिए आपका 25,500 से 81,100 लेवल 4 की वैकेंसी है, मतलब आपका यहाँ पे 2400 ग्रेड पे की ये वैकेंसी आपकी आई हुई है। तो देखिए उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे, पद स्वरूप यहाँ पे स्थायी है, गवर्नमेंट वैकेंसी है। उसके बाद अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, यहाँ पे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और यहाँ पे देखिए आपका फॉरेंसिक साइंस में आपका इस विषय में आपका कोई भी इनमें से एक विषय में आपका BSc यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको डिग्री यहाँ पे मांगी गई है, इनमें से अगर आपका कोई भी विषय BSc में है तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अधिमानी दिया हुआ है, अगर किसी के पास है तो अच्छा है, नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आयु सीमा की बात करेंगे, एज लिमिट देखिए आपका न्यूनतम 21 वर्ष आपको होने चाहिए, और मैक्सिमम की बात करें तो 42 ईयर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका वैकेंसी जो आपकी दी हुई है यहाँ पे पूरी कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए टोटल 11 वैकेंसी हैं, जिसमें से सामान्य की आपकी 6 वैकेंसी हैं, उसमें से महिलाओं की ये हैं। यहाँ पर पूरा आप अपना वैकेंसी का चार्ट देख सकते हैं, इस तरीके से वैकेंसी रहने वाली है। PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर पहले ही शेयर कर चुका हूँ, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं होकर ज्वाइन हो जाए। यहाँ पे अगली बात करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका आयु सीमा की गणना कहाँ से की जाएगी, तो यहाँ पे देखिए 1 जुलाई 2023 से यहाँ पे आपकी आयु सीमा की गणना यहाँ पे की जाएगी। उसी दिन आपका 21 साल वहीं से लिया जाएगा, और आपका 42 साल भी उसी दिन के हिसाब से आपका जोड़ा जाएगा। छूट की बात करें तो आपको पता ही है आरक्षण कहाँ पे कितने वर्ष का मिलता है, तो ये चीज़ें वहाँ पर आपको पूरा दिया हुआ है। सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस में भी यहाँ पर काफ़ी चेंजेज हुए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पर्यावरण पर्यवेक्षक की बात करेंगे कि वो वैकेंसी आपकी अच्छी मात्रा में वो वैकेंसी यहाँ पे आनी चाहिए थी, लेकिन वो वैकेंसी यहाँ पे देखने को अभी तक नहीं मिली है। यहाँ पे देखिए पूरा ये 42-43 पेज का यहाँ पे एक पूरा संवाद आपका ये निकला हुआ है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे देखिए, अब आपका यहाँ पे देखिए आपका जो लिखित परीक्षा है, इसमें आपका परिशिष्ट 1 यहाँ पे ये दिया हुआ है। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का ऑब्जेक्टिव टाइप आपका होने वाला है, जिसमें से पहला प्रश्न पत्र जो आपका रहने वाला है, देखिए यहाँ पे आपका सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन तथा विषय परक यहाँ पे जानकारी आपको ली जाएगी। यहाँ पे देखिए खंड अ में आपसे क्या पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। तो यहाँ पे देखिए आपका GK GS यहाँ पे आपसे पूछे जाने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपका 25 मार्क्स का आपका 25% यहाँ पे रहने वाला है। बात करेंगे विषय परक जानकारी के लिए, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्टिव रहेगा, जो आपका सब्जेक्ट आप चूज करते हैं, चाहे आप यहाँ पे फिजिक्स करते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट यहाँ पे BSc में था, चाहे फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, तो इन चीज़ों से आप यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन आपको मिलने वाला है। तो 75 नंबर का आपका 75 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। टोटल टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। अब उसके बाद बात करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका सिलेबस पूरा दिया हुआ है। सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे जो आपका खंड अ है, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन है, वो यहाँ पर आपका पूरा अनिवार्य है, सभी को ये करना है। अभी देखिए विषय परक जो जानकारी है, जो आपका सेकंड वाला यहाँ पे खंड ब है, उसमें आपको रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या फिर आपका भौतिक विज्ञान, इनमें से किसी एक विषय का चयन लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार हेतु कर सकते हैं। तो किसी भी एक सब्जेक्ट का आपको चयन कर लेना है, जो कि आपका BSc में यहाँ पे सब्जेक्ट था। उसके बाद बात करेंगे निगेटिव मार्किंग, तो 1/4 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। अब यहाँ पे देखिए आपका सेकंड पेपर इसके बाद आपका होने वाला है। यहाँ पे देखिए आपका, तो उसमें आपका क्या रहने वाला है, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। प्रयोगशाला सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला में पूरा का पाठ्यक्रम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अधिकतम 100 अंक हैं, 2 घंटे का आपका टाइम मिलने वाला है। इस पर आपको पूरा यहाँ पे देखिए सिलेबस दे रखा है कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं। यहाँ पे देखिए आपका जनरल स्टडीज पूरा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको साथ साथ में यहाँ पे दिया हुआ है। बात करेंगे यहाँ पे खंड बॉम जो आपका था, जो फर्स्ट पेपर की यहाँ पे बात चीज चल रही है, जो पहला पेपर में आपका
खंड अ वाले का सिलेबस आपको ऊपर दिख चुका है, यहाँ पे खंड ब का आपका सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से यहाँ पे चैप्टर हैं, यहाँ पे देखिए फिजिक्स में सिर्फ इतना आपको दिया हुआ है, यहाँ पे 9 चैप्टर टोटल दिए हुए हैं यहाँ पे, वही आपका यही दिया हुआ है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में सिर्फ इतना चैप्टर आपका दिया हुआ है, इसमें आपके 75 क्वेश्चन बने हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे वनस्पति विज्ञान दिया हुआ है, विधि विज्ञान यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से ये पेपर आपका रहने वाला है, जिसमें आपका 75 का अपने सब्जेक्ट से यहाँ पे रहेगा और साथ ही यहाँ पे आपका 25 का यहाँ पे जीके जीएस यहाँ पे रहने वाला है। तो सिंगल ही पेपर यहाँ पे दिखा हुआ है, सिंगल सेकंड पेपर का यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो सिंगल पेपर ही आपको लोगों के लिए यहाँ पे रहने वाला है। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। और यहाँ पे देखिए आपका परसेंटेज दिया हुआ है, लिखित में आपके मिनिमम इतने होने चाहिए, यह परसेंटेज दिया है, इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए कट ऑफ इससे ऊपर ही जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके 45 नंबर आ जाएंगे तो आप यहाँ पे सिलेक्शन की श्रेणी में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बात करेंगे यहाँ पे देखिए एग्जाम सेंटर की, तो एग्जाम सेंटर भी यहाँ पे आपको जो यहाँ पे आपको भरना है ऑनलाइन फॉर्म, उसमें आपको दिख रहा है कि अल्मोड़ा का 0102, इस तरीके से आपको देख लेना है कि कौन सा आपको एग्जाम सेंटर चाहिए। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे पर्यावरण पर्यवेक्षक की, तो देखिए आपका लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है, 11 पद इसमें केवल आपकी दी हुई है। अब बचता है आपका पर्यावरण पर्यवेक्षक, तो पर्यावरण पर्यवेक्षक की वैकेंसी देखिए जल्द ही आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये वैकेंसी शायद जहाँ तक है अलग से निकालने की यहाँ पे बात चल रही है। तो देखिए इसमें भी मैं टाइम का कुछ नहीं बोल सकता आप लोगों को कि कितना टाइम यहाँ पे लगना वाला। तो यहाँ पे जो आपका लैब असिस्टेंट है उसमें आपका 12th पास वाले भर नहीं सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन वाले ही भर सकते हैं लैब असिस्टेंट वाले में। लेकिन पर्यावरण पर्यवेक्षक में जहाँ तक है आपको 12th वालों को मौका मिलेगा। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे अगर लैब असिस्टेंट में सिलेबस चेंज किया है तो पर्यावरण पर्यवेक्षक में भी सिलेबस चेंज होना लाजमी है, आपका सिलेबस चेंज वहाँ पर भी हो सकता है। लेकिन आपका जो सब्जेक्टिव है, जो आपका साइंस वाला स्ट्रीम था, उस साइंस से यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे इसमें जैसे कि 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही वहाँ पे भी रह सकता है कि 50 से 75 क्वेश्चन आपके साइंस के पूछे जाए, बाकी आपका जीके जीएस आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन इसके बारे में अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं आया हुआ है कि कब तक ये वैकेंसी निकलेगी आपकी पर्यावरण पर्यवेक्षक की, और ये 12th बेस पर रहेगी ये तो कन्फर्म है, लेकिन कब तक आएगी उसका अभी कुछ भी आइडिया यहाँ पे नहीं लग पाएगा। तो जैसे इसके बारे में कोई भी अपडेट मिलती है कि कब तक ये पर्यावरण पर्यवेक्षक की वैकेंसी यहाँ पे निकलने वाली है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।